इस समाचार के प्रायोजक है ताज बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103 के सरबाग ब्रिज के पास इंदौर। विधानसभा चुनाव आते ही पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल नजर आने लगा है। दोनों ही प्रमुख दलों के नेता अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि इस बार उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। इसी के चलते विभिन्न समाजों द्वारा विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। पत्रकार वार्ता में सेन समाज और मुस्लिम समाज के नेताओं ने लोगों से भाजपा में वोट डालने की अपील की है। भाजपा के सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमतों से विजय बनाना है। वहीं दावे भी किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। जहां एक और भाजपा कहती है कि उन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, वहीं दूसरी ओर भाजपा से इस्लाम पटेल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर मुस्लिम समुदाय से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता का रुख किस ओर जाता है और जनता इस बार किसे चुनती है और किसकी सरकार बनाती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उस चुनाव में आप देखना 17 तारीख के दिन जब मतदान होगा और 4 तारीख के दिन जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 180-190 सीट विधानसभा चुनाव में जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन कांग्रेस के दो खूंटे हैं, वह खूंटे एक तो नाथ है और एक दिग्गी है। उस खूंटे से जितने भी कांग्रेसी जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो बंधे हुए हैं, उस 4 तारीख के दिन जैसे ही परिणाम आएंगे वो खूंटा तोड़ तोड़ के सब वहां से भागेंगे। वहां कांग्रेस में 4 तारीख के दिन भगदड़ मच जाएगी। जितने भी मध्य प्रदेश के वासी हैं उन सभी वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज जो प्रेस वार्ता यहाँ आयोजित की गई है उसका मूल उद्देश्य यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाती है कि मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, इस भ्रम को दूर करने के लिए हमारे दो बार के पार्षद इस्लाम पटेल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अशोक चौहान जी, मैं सुभाष वर्मा, हम सब लोग सभी वर्ग के लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संपूर्ण दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर है, उनके हाथ मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और मध्य प्रदेश के अंदर 2/3 बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनना जा रही है। इस्लाम पटेल जी, अशोक चौहान जी और मैं, हम लोग संपूर्ण मालवा निमाड़ के अंदर दौरे कर रहे हैं और वहाँ से ये फीडबैक निकल के आया कि भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं सभी पिछड़ा वर्ग के लोगों से, प्रदेश के सभी वासियों से, मतदाता बंधुओं से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि देश को और प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी को 17 तारीख को कमल के बटन का निशान दबाकर भारी बहुमत से विजय बनाए। मैं सुभाष वर्मा, अध्यक्ष सेन समाज